बच्चों की पुरानी लड़ाई तीरंज तहत दो तरह हुई आमो सामने तेज धार हथियार नाल एक दूजे ते कीता हमला। हवाई फायरिंग भी की गई। दोवां तरह के तीन लोग होए जख्मी। टाला नदी कस्बा तंदोई विखे तीरछा माहौल उस समय दहशत भरा हो गया जदों सरदूल सिंह वासी भरिया जो तंदोई विच बूटा की दुकान करता है उसते पिंड घर के रहन वाले हरनेक सिंह विच आपसी लड़ाई दौरान दोनों ने एक दूसरे उत्ते तेज धार हथियार नाल हमला कर दिता। इस हमले में सरदूल सिंह उसका बेटा तो जख्मी हुए ही दूसरी धिर हरनेक सिंह भी जख्मी हो गया। तिना सिविल हस्पताल बटाला विखे इलाज लई दाखिल करवाया गया है। लड़ाई का कारण यह सामने आया है कि दो साल पहला दोवां धिरां के बच्चों दौरान झगड़ा होया सी अते हुण उसे झगड़े की रंजिश तहत दो साल बाद दोवें धिरां आमो सामने हो गई। सूचना मुताबक झगड़े दौरान हवाई फायरिंग भी की गई। उत्थे ही सिविल हस्पताल ते ड्यूटी डॉक्टर ने घटना बारे दसते हुए कहा कि गोली किसी दे नहीं लगी पर तेज धार हथियार के वारा नाल जख्मी हुए तीन लोगों को इलाज लई लिया गया है जिस विचों एक गंभीर जख्मी है जिसनों अमृतसर रैफर कर दिता गया है। बाकी दो जख्मी सिविल हस्पताल बटाला विच इलाज अधीन हैं। मेरे सर अड्डे के तंदोई अड्डे के मेरे बूटा की सूई की दुकान आ ते मैं ते मेरा बेटा दोनों दुकान के बैठे हैं। शाम के टाइम हुण तो ये पांच सत्त जने आए आ दातर पछताओ लैके तो इन्होंने आंदा ही बेटे दे ते मेरे उत्ते चंगा कुरबानो कुरबानी जो खूनों खून दुकान भी खूनों खून करती है। वैसे मैं उस टाइम पुलिस नूं भी फोन करता पुलिस भी कहिंदे कि तुसीं अहीं पहुँच गए एक मिनट च तुहाडे कोल ते बेटे मेरे ते ज़्यादा सट लगी आ चीज़ पूरा ही पाड़ती है इन्होंने मतलब कुरबाना मार मार के ते उत्थे फिर इन्हां रिवालवर भी पता नहीं दो नंबर दा ही जां किद्दां ही तो इन्हें गोलियां भी मुड़ के उत्थे चलाईयां एक दो गोलियां चला के तो फिर ये उत्थों भज गए तो साडा मतलब मुड़ के सानू लागले जिन्ने भी लागले वाले बंदियां ने गोली बेटे दे शायद हाथ च जिथे कुरबान वजी है ना कोई मेरा ख्याल उत्थे गोली निकली आदि उदा इन्हें मुड़ के थले भी जदों मैं दवा दम बाहर भजा वा दुकान चो कि क्योंकि बाहर भजे आ मैं मगर दुकान चो बाहर भजा वा ये मगर तो उदों इन्हें मेरे पैरों से गोली चलाई है मुंडे ने। साड़ी सर इन्हां ना एक भी पैसे की कोई रंजिश नहीं है रंजिश साड़ी इन्हां ना कोई नहीं। अज तो ढाई साल पहले साढ़े बेटे ना आडी घोसला पढ़ते हैं नॉर्मल जी बच्चे छोटे छोटे होंगे तुहानूं पता वा एक दूजे ना कर लेंगे आ तो उन्होंने नाल साडा राजीनामा भी होया तो मैं पुलिस के थ्रू राजीनामा भी किया वा कि चलो ठीक आ एक मुंडा वा उन्होंने एक अमेरिका चल गया वा तो वह मुंडा ज़्यादा अमेरिका जाके काम कर रहा वा कि कभी वह मेरे बेटे को धमकियां दवाता वा कभी वह कहता वा कि ध्यान रखो कितने जाता कितने नहीं तो यदा टाइम चुकाओ हनु मेरे वालों मेरा तो मेरा बेटा दोनों ही जख्मी है क्योंकि असी दो अपने दुकान के हाँ असी मंग करते हैं कि इन्हों के उत्ते सख्त तो सख्त कार्रवाई की जाए। आगे सर गल कोई नहीं मैनू पता नहीं इन्हों मुंडे की खेती लड़ाई हैगी या नहीं हैगी इन्हों पता नहीं किन्ने कहता कि मैं इन्हों मुंडे का टाइम चुका फिर मैं कि गल का नहीं पता इन्हों का मुंडे का कोई गलबात हैगी हूँ मैं केंद्र तेरे गोली मारनी है तो मैं तो सर कोई इन्ना सीरीयस नहीं लिया मैं चलो उदा खरे करते हैं मैं लंघा लगा डे इन्होंने मेरे पिछले फैर मारिया तो मैं मोटरसाइकिल इदा जा डे फिर मैं उत्थे रुक गया मैं पता नहीं की है कि मारिया फिर मारिया मेरे पिछे ही फिर इन्होंने दातर मारिया मेरे लिए उत्थे दुकान ही इन्होंने दुकान के दातर मारिया इन्होंने मेरे इन्होंने एको फैर कढ़िया सर मैंने एको सुनिया बाद मेरे तो इन्होंने मारता है दातर मारता है नहीं फैर मेरे लग जा नंघ नू गया अगे इदा हो गया कुछ मेरे वजह नहीं पर वाकफ सर मेरे तो मैं मैं तो इन्हों जानता भी नहीं है इन्होंने पिंड केंद्र बरियार मैं इन्हों जानता भी नहीं हाँ ना मैं इन्होंने कोई दुका हाँ इन्हों की दुकान है मतलब कि जो मुंडे की कहते गलबात मैं डैडी जानता वा हाँ जी झगड़ा कहें कि साढ़े मुंडे का तू टाइम चुका वा ए पापा जी ने जोड़ा मुंडा वा वो पापा ने कहा हाँ जी नहीं इन्हें ना मैं डॉक्टर की लबोरटरी एक अपना मैं उन्होंने को काम सीख लगा दो तीन दिन हो गए तंदोई ग्राउंड जी तंदोई उतोई जी तो और को सुना लिया कहते कि उन्होंने कह भी जिथे वेखना वेख ला मेरे नाल हाँ जी डॉक्टर का वाकफ भी तो डॉक्टर आता कि जिथे तू हरनेक कह के जिथे तू वेखना वेख ला मेरे ना
ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੇਖਣਾ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਆ। ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਦੋ ਕੁ ਵੀਰ ਸੀ ਕੋਈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ, ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਫਾਇਰ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗ ਚੱਲਿਆ, ਮੈਂ ਖਿਲਾਰ ਲਿਆ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਾਤਰ ਮਾਰਤਾ ਮੇਰੇ। ਝਗੜੇ 'ਤੇ ਆਏ ਦੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਆ, ਉਹਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਆ ਜੀ ਬਰਿਆੜ, ਹਾਂਜੀ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ, ਤਿੰਨਾਂ 'ਤੇ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁਹੱਬਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਰਿਆੜ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਸੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ। ਮੁਹੱਬਤਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੋਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਗੋਲੀ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।